हेलो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आप सबका हमारे चैनल को फालियो में स्वागत है। आज हम आप सबको एक नए तरीके से पत्ता गोभी का पराठा बनाना बताती हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा, स्पीक मत करिएगा। चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। हम पत्ता गोभी लिए हैं और चल रहे हैं तो खूब बारीक काट लेंगे। गोभी को हम बारीक काट चुके हैं और हरी मटर लिए हैं और चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे कढ़ाई चढ़ाएं और इसमें थोड़ा सा तेल, हरी मिर्च, साबुत जीरा, हींग डाल चुके हैं और हमारा ये गर्म हो चुका है। अब इसी में हम पत्ता गोभी डाल चुके हैं और हरी मटर भी, थोड़ा सा नमक डाल के अब इसको हम गैस का फ्लेम धीमा करके 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। देखो हमारा हो चुका है। इसका जो पानी छूटे वही पूरा जल जाए पानी और सॉफ्ट हो जाता है एकदम बढ़िया से। देखो और इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए और चल रहे हैं तब आटा लगाते हैं। आटा लगाने के लिए हम आटा लिए हैं और उसी में थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करते हैं और उसी में थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसको वैसे एक बढ़िया, न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा मुलायम डो तैयार करते हैं। आटा हो चुका है, अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं साइड में और अब लेते हैं अपना ये जो बनाए थे पत्ता गोभी का। और ये देखो इसमें थोड़ा सा हम साबुत धनिया भुने थे और जीरा था, काली मिर्च थी और सौंफ थी। भून के इसको कूट के रखे थे पहले से, वो भी इसी में ऐड कर देते हैं और इसको और आटा को दोनों को फ्राई में रखते हैं और चटनी इसके लिए चटनी तैयार करते हैं, मीठी और तीखी दोनों ही। मीठी चटनी बनाने के लिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है और 1-2 बड़ा साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ लिए और कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसी में हम थोड़ा सा तेल डालते हैं। इसी में जीरा, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये हमारा गरम हो जाएगा। इसमें हम थोड़े को ला लेंगे। हमारा गरम हो चुका है ये, अब इसमें इसमें हल्का सा नमक इसमें 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच ऐसा जो मीठी चटनी बना रहे हैं ना थोड़ा ज़्यादा चीनी ऐड करें और इसको बढ़िया से चला के थोड़ा सा पानी ऐड करके कलर आने के लिए थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल दे रहे हैं और इसको बनने को चला देते हैं, ढक देते हैं। तो बीच में एक बार छोड़ के 5 मिनट बाद देख लेंगे, हो गई होगी तो गैस बंद कर लेंगे, नहीं तो फिर 2 मिनट के लिए। और तीखी चटनी बनाने के लिए हम 2 बड़े साइज का टमाटर काटे हैं, 2 मिर्चा है हरा, हरी धनिया है और थोड़ा सा जीरा है और थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा बस ही नींबू का रस जितना लिए थे। और इसको चल रहे हैं मिक्सी में, थोड़ा सा पानी ही डाल दें और इसको चल रहे हैं मिक्सी में चला देते हैं। इसी में हम भूल गए थे लहसुन की कलियां 4-5 डाल देते हैं और चलते हैं मिक्सर में चलाते हैं इसको। तीखी वाली चटनी बनके हमारी रेडी है और इसको रख देते हैं हम साइड में और देखते हैं मीठी चटनी अपनी जो बना रहे हैं। चटनी अपनी देखते हैं, हमारी
बढ़िया से मिक्स कर देते हैं। चटनी नरम हो गई है, अब इसको हम खाली कर लेते हैं कटोरी में। जो इसमें मटर है, मटर को हम खूब बढ़िया से फोड़ लेंगे, जिससे फूटे ना पराठा बेलने में हमारा। ये देखो ऐसे बढ़िया से इसको फोड़ लेंगे। दो ऐसे पूड़ी फ्राइज का, एक फ्राइज का दोनों बेल चुके हैं, और एक को उठाते हैं और जो ये हम बना के रखे हैं इसको इसी में चारों तरफ से ऐसे करके बढ़िया से, ज़्यादा नहीं भरना है, और ऊपर से जो दूसरी वाली पूड़ी बनाए थे उसको ऐसे चारों तरफ से चिपका देते हैं, चिपका देते हैं। अब इसको आटा लगा के सूखो, इसको चारों तरफ से धीरे धीरे ऐसे बेलन चला के बेलते हैं। तावा जहाँ है, तावा हमारा गर्म हो चुका है, तावे पे थोड़ा तेल लगाते हैं, उसी पे पराठा डालते हैं। पराठा हमारा बनके रेडी है, चाहे मीठी चटनी के साथ खाओ या तीखी चटनी के साथ, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है पत्ता गोभी का पराठा। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना था।